गनौपुरा चौक सोपियान सेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये पूरा वीडियो में ना सिर्फ इनकी ऐसी तैसी होती है, लेकिन नहीं करेंगे। है क्या इंसिडेंट और कहां से गुस्सा है, कहां से वो चीज है जिस पे बात करना है। सोपियां सेक्टर में गनौपुरा चौक करके एक जगह है, पूरा एक आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा था। पूरी घटना पहले समझना पड़ेगी, उसके बाद समझ में आएगा गुस्सा क्यों और हकीकत क्यों, सच्चाई क्या है इसके पीछे। गनौपुरा चौक से निकल रहा था पूरा आर्मी का कॉन्वॉय। वहां पे लगभग 125 से 250-300 नंबर किसी को कंफर्म नहीं, लेकिन लगभग कम से कम फौज के हिसाब से अगर बात करें तो बहुत ढंग से बात करी गई है, 250 से 300 लोग पत्थर इकट्ठे करके लाते हैं, नुकीले वाले पत्थर जो वहां नहीं पाए जाते, मतलब उसको रोड के किनारे के पत्थर नहीं है, नुकीले पत्थर लाए गए। उसके बाद पूरे के पूरे एक आर्मी कॉन्वॉय के आखिरी की 4 से 5 गाड़ियां जो बची उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया गया। बंदे जो हमारे नीचे थे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के, फौजी जो वहां पर थे, वहां पर मारे गए। जेसीओ साहब का सिर फाड़ दिया गया वहां पर, उनसे हथियार छीनने की इन पत्थरबाजों ने। अब इनको आतंकवादी ही बोलना पड़ेगा। आतंकवादी का मतलब ये नहीं जो सिर्फ हथियार के साथ आए, ये उस मानसिकता की बात कर रहे हैं। एनीबॉडी हु ट्राइज टू हार्म द हार्मनी integrity and the peace of this country is a bloody terrorist for me and will remain a terrorist for me. तो बात वही है कि इन terrorists, इन गद्दारों के लिए जो अपने पाकिस्तान में बैठे हुए अपने आकाओं की, अपने बापों की सुन के यहाँ पर फौज पे पत्थर चला रहे हैं। बहुत कहा मैंने बहुत बार कि यार ये हमारे भाई हैं जो पत्थर मारते हैं, इनको भी समझा देते, आप कुछ नहीं, अब की बार ठोकाई की पुकार। इन लोगों की ठोकाई होगी तभी इनको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत हो गया। और हाँ, पैलेट गन्स बिल्कुल बंद होना चाहिए, सीधे 7.62 सीधे 9mm ठोकना चाहिए इनकी खोपड़ियों में। और इनकी सिर्फ अगर वचन नहीं दिया होता ना अपने भाई को, तो मैं बताता साले मैंने जुबान दी है तुम्हारी ऐसी तैसी अन्य, वरना तुम्हारी नीचे से ना, क्योंकि इन लोग यही डिजर्व करते हैं। इनको बहुत प्यार हो गया, कितना समझाएगी फौज। वहां नारे लग रहे हैं हिंदुस्तान वापस जाओ, इंडियन आर्मी मुर्दाबाद। अबे तुमको ना प्रॉब्लम ये है कि इन जैसे नपुंसक भड़ुए गद्दारों के लिए, क्योंकि उनको हिंदुस्तानी फौज अपना भाई समझती है, अपने लोग समझती है, इसलिए वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस इनके लिए और पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्पेशली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, वहां पर इन जैसे इन सालों के लिए वहां पर सिक्योरिटी फोर्स खड़ी हुई है। क्यों वहां पर मारे गए पत्थर? दूसरी चीज, हाँ वहां पर पत्थर मार रहे हैं 250 लोग, कोई मुद्दा नहीं है ना। और वहां पर जब रिटेलिएट किया गया, मतलब अपने बचाव के लिए, कोई हथियार चला रहा क्या करेंगे, फिर ये आ जाते हैं ह्यूमन राइट्स की औलादें आ जाती हैं हाय तौबा करने के लिए। वही हुआ और इस बार भी वही हुआ, पूरा इंसिडेंट। इनको तो पता ही नहीं है, दुख लगता है हर बार, बिकॉज मेरा भाई है वो वहां पर जो खड़ा हुआ है। एंड यू हैव नो ब्लडी राइट टू रेज अ क्वेश्चन ऑन हिज इंटेग्रिटी। वो किसी की औलाद नहीं है जो मर रहे, ठीक है उनने सेल्फ डिफेंस में मारा, अब सुपा है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, लेकिन उसका हक मिल नहीं रहा है फौजी को सही तरीके से। FIR, क्या नपुंसकता है यार उस इंसान की जिसने FIR की। और JNK पुलिस क्या कर रही है फिर वहां पर? एक मिनट, ये कोई ये नहीं था कि अचानक से भीड़ आ गई, ऐसे नहीं आते 250 लोग, 250-300 लोग पत्थर उठा के आ रहे हैं। उसके बाद FIR किस पे? मेजर आदित्य पर। बड़ी यू डोंट बॉदर, देयर आर पीपल लाइक मी, दोज़ हू विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू and we support you from the outside, we support you from here outside, we are there for you in this country. ye jaake wahan debates karte hain, inki bhi pole kholunga abhi. kya desh ko nahi lagta ki actual protection for prosecution jo ki afsapa mein milta hai wo mil raha hai? FIR kaun kar raha hai? FIR wo log kar rahe hain jo ki influenced hai, ya unke upar jo adhikari baithe hue hain wo wahan ke local logon se bahut influence hai. aur is FIR ka koi matlab nahi hai. armed forces special power act जो अलग है, उसमें उनको उनको इतने चीजें मिली हुई है, इतने अधिकार है, क्योंकि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में चला है, गोली पहले नहीं चलाई गई है। इन ह्यूमन राइट्स वालों से मेरे तीन जो एक्टिविस्ट बैठे हैं ना, इनसे तीन सवाल है। पहला, तुम्हारे ऊपर पत्थर चलता, तुम्हारे ऊपर फायर आ रहा और तुमको लगता है वो पत्थर, पता है पत्थर ऐसा नॉर्मल नहीं होता, कभी खा के देखना खोपड़ी में जाके वहां जम्मू कश्मीर में, तब तुम्हें पता चलेगा पत्थर आता कितनी तेजी से, वो हथियार बन चुका होता है, वो गोली के बराबर हो चुका होता है। जब बहुत हजारों मीटर की तेजी से, बहुत तेजी से आता ना, धड़ से सिर पे लगता है, वहां पे 10 से 12 जवान पहले घायल हुए, एक जेसीओ साहब की खोपड़ी फट गई जिनसे हथियार छिनाया जा रहा था। उसके बाद जो ऑफिसर साहब थे उनने, उस आदमी ने, उस यंग ऑफिसर ने अगर ऑर्डर दिया, अगर फायर करना पड़ा, आई डू नॉट फाइंड एनी मिस्टेक इन दैट। 10-20 फौजी मर जाते तो तुम ही लोग कहते हो कि वो अपना काम कर रहे थे, और 2-4 लौंडे उधर पे मर गए। एक मिनट, वो नॉर्मल लौंडे नहीं है,
62.57% लिटरेसी रेट वहां पर, मतलब वहां पर भी पढ़े लिखे लोग हैं। ये वो जो लोग, ये वो है जिनको इनके आका इनके बाप बैठ के अजहर मसूद, मौलाना अजहर मसूद, सुन बे मौलाना अजहर मसूद और हाफिज सईद, तुम बे भड़ुए नपुंसको सालो, तुम जैसे तुमको बोलता हूँ साले, अपने देश को संभालो बे पहले, चवन्नी छाप साले, चवन्नी है नहीं तुम्हारे पास, तुम यहाँ पे भारत पे हमला करवाते हो, नपुंसक हो बे नामर्द, दम होती तो सामने अपनी फौज से लड़वाते तब समझ में आता। हमारा हर फौजी भाई, हर आर्मी पर्सनल जो होता है, हर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल होता है, वो जेंटलमैन होता है। अगर जेंटलमैन नहीं होता तो इन जैसे देशद्रोहियों के लिए जो कि पत्थर मार रहे हैं उनके लिए, उनके प्रोटेक्शन में जम्मू एंड कश्मीर में नहीं खड़ा होता। क्या हम लोगों को यार एज अ कंट्री, एज सिविलियंस, एज पीपल, क्या हम लोगों को नहीं लगता कि इस चीज़ के लिए कोई आंदोलन, यार पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों में इस देश में साले आंदोलन होने लगते हैं, लेकिन उन फौजियों का क्या, वो किसी के घर के बेटे नहीं है, वो किसी के औलाद नहीं है, वो किसी के भाई नहीं है, वो मर जाए कुछ नहीं, लेकिन ये एक दो चार लौंडे जो वहाँ से आतंकवादी थे, जो आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, जो भारत की संपत्ति को, भारत के फौजी को चोट पहुँचाने आए, उनको मार दिया तो इतनी हाई तौबा क्यों भे ह्यूमन राइट्स वालों की और इन लौंडों की और एक्टिविस्ट लोगों की। साले जाके नौकरी करो उधर दो दिन, तुम्हारी नीचे से ना। जब आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा था तो एक बात बताओ, उस पर पत्थरबाजी की बात क्या, वो तो रोड से जा रहे थे, इनको क्या प्रॉब्लम हुई, इन लॉन्डों को 250 लोग कैसे इकट्ठे हो गए, अगर ये प्री प्लान्ड नहीं था, अगर ये फंडेड नहीं था, अगर ये इनके बाप लोग नहीं करवा रहे पाकिस्तान से बैठे हुए, कैसे फिर वो हो गया। दूसरी बात, डू नॉट चेक द लेवल ऑफ पेशेंस ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। जो उस ऑफिसर ने, जो आदित्य ने किया और जो जेसीओ साहब वहां पर, वो देख रहे हैं कि एक जूनियर कमीशन ऑफिसर को मारा जा रहा है, उनको घायल कर दिया गया, मरने के लिए छोड़ा जा रहा है, उनके हथियार छीने जा रहे हैं, क्या करना चाहिए, हथियार दे देने चाहिए, और फौज के हथियार क्यों छिनाए जा रहे हैं अगर एक टेररिस्ट नहीं है, ये लौंडे क्या करेंगे अगर नॉर्मल सिविलियन है, हथियार का क्या करेंगे फिर, इसका मतलब है दिस वॉज प्री प्लान्ड। दर्द इस बात का है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में परेशान कौन हो रहा है ट्रायल्स के बीच में, वो एक फौजी जिसने अपने देश की संपत्ति बचाई, जिन लोगों को वो कमांड कर रहा है उन लोगों के लिए सुरक्षा के लिए एक नियम लिया, एक अपनी समझदारी के हिसाब से उस समय निर्णय लिया, अपने लोगों को बचाए, अपने देश की प्रॉपर्टी बचाई, जो हथियार छीनने वाले थे उनको रोका और एक सही काम किया, अपने देश के प्रोटेक्शन के लिए अपनी वर्दी, नाम नमक और निशान का सही हक अदा करते हुए उसको जो सही लगा उसने वो किया, उसके लिए परेशान होगा वो आदमी, ये कहां का जस्टिस है। देखो छूट तो वो जाएगा आफसमा में, वो छूट जाएगा, बात वो नहीं है, उसको कुछ गलत नहीं होने वाला, बिकॉज ही हैज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, बट द प्रॉब्लम इज सफर कौन कर रहा है। अब इसके बाद अगले 10 साल 15 साल वो कहीं पे भी पोस्टिंग होगा, हर बार समन में, हर बार आके परेशान होगा इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में, ये कौन सा कानून है और ये कहां की सही बात है, एक बहुत बड़ा इशू है हमारे इधर, नेताओं का मेरे को बोलना पड़ेगा। आप एक बात बताओ यार, एक कब हो गए, इकट्ठे कब हो गए। मिस्टेक ये सबसे बड़ी चीज है कि वहां पर एक फौजी सफर कर रहा है बिकॉज उसने देशभक्ति की है और वो सफर कर रहा है, यहां पर चैनल्स में बैठ के मैंने इसीलिए जाना बंद कर दिया क्योंकि रैप्टा मार दूंगा एक आधे दिन बाजू वाले पैनलिस्ट को, तो सबसे बड़ा पंगा है जाना ही नहीं है, लेकिन जब देखता हूं ना न्यूज चैनल्स में गुस्सा आता और दुख भी होता है इस बात का कि आप इस बात पर लड़ रहे हो कि फौजी सही है गलत है। यार वो कब से बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम या समाजवादी पार्टी, यार फौजी कब से किसी पार्टी का हो गया, वो इस देश का है। आप एक बात है, यहां से कोई नेता जाता है जम्मू एंड कश्मीर या कहीं पर भी जाता है, ऐसा होता है कि हम सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को प्रोटेक्शन देंगे, बीजेपी वालों को, सीपीएम को या कम्युनिस्ट पार्टी को, वो आदमी देश का है, उसको एक बेटे के जैसा कभी सोचा है किसी नेता ने कि वो भी किसी की औलाद है, कभी किसी भाई के जैसा सोचा है जब उसकी लाश जाती है उसका वहां पर, क्या साहब आप दर्द नहीं समझेंगे क्योंकि आपके घर से कोई लौंडा नहीं गया है, जिसके घर से गया ना दुख होता है उसको जब लाश आती है, कभी वो दर्द भी समझिए। हाँ मैं कह रहा हूं जो ये 250 लोग थे, 300 लोग थे, टेररिस्ट है ये साले, हरामखोर आतंकवादी है, और मैं कह रहा हूं बहुतों को इससे प्रॉब्लम होगी, जो उखाड़ते बने आप उखाड़ लीजिएगा, ओपन चैलेंज है तुम जैसों को भी, इसलिए बोल रहा हूं टेररिस्ट है, मानसिकता टेररिस्ट की है इनकी, और एक सही बात है अरे इनको ठोकना ही चाहिए संविधान के अंतर्गत, अगर सेल्फ डिफेंस में ठोकना है बनी बात है सेल्फ डिफेंस में ठुकाई होगी इनकी, क्यों तुम मारो साले तो तुम्हें तो ह्यूमन राइट्स का कवच मिल जाता है, उन फौजियों का क्या। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात नहीं करो, यहां पर फौजी जब होता है वो किसी धर्म का नहीं होता, वो एक देश का होता है, वो ट्राइकलर का होता है, तिरंगा का होता है, अपने नाम नमक और निशान के लिए वहां मर रहा है, क्यों मर रहा है तुम्हारे लिए, जो यहाँ पर चैनल पे बैठ के ना जिनको पता भी नहीं होगा वो मुंह चलाते कि सोपियान है कहाँ पर, उसकी दूरी कितनी है, क्या है उसकी रैंक, पूछ लो इनसे, 640 स्टेट में से 577 नंबर पे आता है, पता है कितनों को, ये भी पता है कि श्रीनगर से
1 घंटा 53 मिनट लगते हैं। 41.900 मीटर की दूरी है, 41 किलोमीटर और 900 मीटर लगता है, 23.7 माइल्स की दूरी है। पता भी है, मुंह चढ़ाएंगे। 951 बेटियां हैं वहां पर, 1000 लोगों के ऊपर। पता है कुछ नहीं, वहां पर बैठ के मुंह चढ़ाएंगे सिर्फ इधर से। असली नाम तक नहीं पता होगा, द फॉरेस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का जंगल सोपियां। उस जगह पे इस जन्नत को जहन्नुम तुम जैसों ने किया, यहां पर बैठ बैठ के बोल बच्चन करके मुंह चला चला के। और सुनो, उनको दोष मत दो जो वहां इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस है ह्यूमन राइट्स और मानवाधिकार के लिए जो खड़े हो जाते हैं, और जो वहां पर एक्टिविस्ट और यहां दिल्ली में मुंबई में नारे लगाने लगते हैं। अब एक बात बताओ, तुम लोगों ने have you ever in your life stood by or fought for a soldier's death or for the extreme sacrifice of that particular soldier? Have you ever fought for his rights? If never, क्योंकि तुमको सालों तुम लोगों को पैसा मिलता है तुम्हारे बापों से, वहां आकाओं से, पाकिस्तान में बैठे बैठे, है ना। तुम इसलिए यहां शांति भंग करते हो। तुमने कभी किसी एक सिपाही के मानवाधिकार के लिए बात की? कभी नहीं की है। अब बात आती है सॉल्यूशन क्या है, मुद्दा सब बात करेंगे, सॉल्यूशन में कोई बात नहीं कर रहा, ना चैनल पे बैठ के ना हकीकत में। ऐसी चीजों से फौज का मोरल डाउन होता है, इन्वेस्टिगेशन ट्रायल्स और इन सब में। उस बंदों को आप परेशान कर रहे हो इसलिए उनका मोरल डाउन होता है। जिस दिन फौज का मोरल डाउन हुआ, याद रखना, और फौज जो कहते हो ना कि फौज ने मारा है, जिस दिन फौज मारने पे आएगी उस दिन ना यहाँ इतने वीडियो होंगे और ना इतनी बातें हो रही होंगी। फिर हो चुका होगा जो वहां वैली में होना होगा। धुआं धुआं अगर सुना है तो धुआं धुआं फौज एक दिन में कर सकती है। एक बात बताओ, उनकी भलमनसाहत देखोगे, हथियार रख के भी वो पत्थर खाते हैं साले तुम्हारे। इसलिए खा रहे क्योंकि अपना मानते हैं, वरना पूरी जिंदगी निशाने की प्रैक्टिस की और निशाना उनका नहीं चूकता है। अब सॉल्यूशन क्या है, जेएनके पुलिस को क्या अधिकार? अगर आपको सच्चाई आना है, कोई एक नया कानून, नेता क्या कर रहे हैं फिर, देयर हैज टू बी अ न्यू लॉ, एक नया कानून बनना चाहिए जिसमें तीन चीजें, तीन मेन पॉइंट होना चाहिए। मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, सिर्फ प्रॉब्लम से कुछ नहीं होगा डिस्कशन करने से। सॉल्यूशन हैज टू बी वेरी क्लियर एंड बोल्ड। नेता क्या कर रहा है, अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि अपने अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए बैठे हुए आप लोग। सुनो, पहला, इन्वेस्टिगेशन बाहर होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर के, क्योंकि जो लोग वहां कर रहे हैं वो भी इन्फ्लुएंस होंगे, मजबूरी है उनकी, उनको वहीं रहना, वो कहीं ना कहीं उन पर भी प्रेशर होता है। दूसरा, एक ऐसी की ऐसी आपकी अगर SITs बन रही है, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली में करें, बंबई में करें, कहीं पर भी करें, जम्मू एंड कश्मीर में कभी न्याय नहीं हो सकता इन टाइप के, इस जैसे केसेस के लिए। दूसरा, अगर आपने एक इंक्वायरी बिठा ली है, उसको हाईएस्ट लेवल पर जल्द से जल्द खत्म करें। उसके लिए एक फौजी को 10 से 15 साल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। और रही बात कानून की, मारने की, सुनो भाई, चाणक्य ने बहुत हजारों साल पहले कह दिया था, कृते प्रतिकृतम कुर्यात् हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो नापतति दुष्टौ दुष्टम समाचरेत। जो तुम्हें मारने आया है उसको मारना, ये वध होता है, हिंसा नहीं। अपना बचाव करना दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और अगर आप पर कोई प्रहार हो रहा है, आप पर यदि हमला होता है, ये आपका मौलिक अधिकार है, ये आपका अधिकार है कि आपको मार रहा है। इन लौंडों को सही बात है, अब की बार ठोकाई की पुकार, अगर इनको ठोकना ही है, और अगर नहीं ठोकना है ना, तुम लौंडों को घर में बैठो, बहुत कोशिश की, पढ़ाई करो, वहां से IAS IPS बन रहा, तुम भी बनो, सिस्टम को बदलने की बात करो। पत्थर लेके आओगे तुम्हारी खोपड़ी में, दे शुड बी ब्लडी शॉट इन देयर हेड एंड देयर एसेट्स। मारो सालों को, क्योंकि बाकी और अब कोई सोल्यूशन बचा नहीं है। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।